रहे हैं NS रेडियो, हिमाचल का अपना रेडियो। दिल छू लेने वाली कहानी। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वो गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वो मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वो कोई कार देखता तो उसका भी मन करता अपनी कार खरीदने का। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वो एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीद कर उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वो बहुत खुश था। वो कार की बहुत अच्छी देखभाल भी करता था और उसमें शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वो कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायर को भी वो चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ करता हुआ देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बटन पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटे की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वो आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वो बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वो काम किस नियत से किया है।